नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अरिहंत ऑनलाइन एकेडमी में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर सीटेट की एग्जाम में मैथमेटिक्स के सेक्शन से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो दोस्तों पूछा गया था उसमें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ये सीटेट 2015 में पूछा गया है। चार ऑप्शन दिए गए, आपको इवेल्युएट करके ये पता करना है कि इनमें चारों में से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। पहला ऑप्शन है ए, 3 hours 14 minutes is equals to 194 minutes. तो अगर आपको पता है 1 hour equals to 60 minutes. Therefore, 3 hours is equals to 60 into 3 is equals to 180 minutes. अगर आप इसमें 14 minutes plus add करेंगे तो ये हो जाएगा 194 minutes. मतलब ये option तो आपका सही है। अब हमसे यहाँ पूछा गया है which of the following is not correct. पहला option सही है। दूसरा 2 kg 30 ग्राम इज इक्वल टू 2030 ग्राम। तो दोस्तों 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो 2 kg इक्वल टू होगा दोस्तों 2000 ग्राम प्लस 30 ग्राम, और अगर आप इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2030 ग्राम जो कि यहां पे दिया हुआ है। मतलब ऑप्शन बी भी आपका सही है। हमसे पूछा है कौन सा करेक्ट नहीं है। थर्ड आते हैं दोस्तों, 3 लीटर्स 80 मिलीलीटर्स इक्वल टू 38 मिलीलीटर्स। तो दोस्तों 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। अब दोस्तों इस हिसाब से 80 मिलीलीटर्स और अगर आप इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1080 ml, जबकि हमको यहां 38 ml दिया हुआ। मतलब ये ऑप्शन आपका गलत है और हमसे पूछा भी गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो आंसर सी यहां पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। बट फिर भी यहां पर चौथा ऑप्शन डी भी हमको चेक कर लेना है, क्योंकि कभी हो सकता है कि चार ऑप्शन में से हमको नहीं रहे। वैसे ऑप्शन ए ही करेक्ट होता है, ये एमसीक्यू आते हैं सीटेट में, हर चार ऑप्शन में से सिर्फ एक ही करेक्ट होता है। फिर भी एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 1 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये ऑप्शन भी सही है, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर होता है लेंथ इनटू लेंथ या साइड इनटू साइड। तो 10 इनटू 10 करेंगे तो हो जाएगा 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ ये इक्वल टू में एरिया ऑफ रेक्टेंगल जिसकी लेंथ है 100 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ है 1 सेंटीमीटर। मतलब जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो 100 इनटू 1 करेंगे तो वो भी 100 आएगा। मतलब ये दोनों इक्वल है, मतलब ये ऑप्शन भी आपका सही है। अब हमसे ये पूछा गया था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो दोस्तों ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर। दोस्तों अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था सीटेट 2015 में वो ये था, नंबर ऑफ डिग्रीज इन 2 and 2/3 ऑफ अ राइट एंगल इज। तो दोस्तों जो सम होगा या नंबर ऑफ डिग्रीज होगी इन 2 and 2/3 ऑफ अ राइट एंगल, तो हमको वहां पर ऑप्शन ऐसे दिए गए थे 240, 270, 180 एंड 210। तो दोस्तों राइट एंगल की वैल्यू होती 90 डिग्री, मतलब 1 राइट एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो 2 राइट एंगल दोस्तों हमारे पास ऑलरेडी है, 90 इंटू 2 हो गया दोस्तों 180 डिग्री। अब पूछा है दोस्तों 2/3 ऑफ अ राइट एंगल, तो 2/3 ऑफ अ राइट मतलब 2/3 ऑफ 90, इसको आप इससे कैंसिल करेंगे तो 30, 32 जा 60। अब इन दोनों को आपको सम करना पड़ेगा क्योंकि ये पूछा है नंबर ऑफ डिग्रीज इन 2 and 2/3 ऑफ अ राइट एंगल, तो ये हो जाएगा दोस्तों 240। तो दोस्तों सही आंसर है हमारा फर्स्ट, 240 डिग्री है नंबर ऑफ डिग्रीज। ये भी दोस्तों सीटेट 2015 में पूछा गया था, काफी इजी कैटेगरी के क्वेश्चन है जो कि उसमें पूछे गए, हालांकि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ये भी दोस्तों सीटेट 2015 पेपर 1 में पूछा गया था। ऑप्शन 1 है दोस्तों द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज इवन नंबर। तो सपोज कोई भी आप 3 ऑड नंबर ले लीजिए, सपोज 1 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया, इनका जो दोस्तों प्रोडक्ट आना चाहिए वो इवन आता है क्या, लेकिन 5 3 15 into 1 15, लेकिन ये ओड नंबर है और यहाँ पर बोला है द प्रोडक्ट ऑफ 3 ओड नंबर इज इवन नंबर, तो ये सारे केसेस में ट्रू नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन हो गया फॉल्स। अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन है द डिफरेंस ऑफ ओड नंबर इन इवन नंबर कैन बी इवन नंबर कैन बी। तो दोस्तों कोई भी एक ओड नंबर लीजिए, जैसे 11 माइनस कोई भी एक इवन नंबर लीजिए, तो कोई भी एक इवन नंबर ले लिया 10 हो गया 1, क्या ये इवन नंबर है? नहीं, ये एक ओड नंबर है, लेकिन ऑप्शन में बोला है इवन नंबर, तो दोस्तों ये किसी केस में ट्रू नहीं है, तो ये भी हो गया फॉल्स। अगला ऑप्शन है दोस्तों थर्ड,
द सम ऑफ टू ऑड नंबर एंड वन इवन नंबर इज इवन नंबर. दोस्तों कोई भी दो ऑड नंबर लीजिए, सपोज 1 + 5. अब इसमें इवन नंबर जोड़ दीजिए कोई भी, सपोज 2, तो ये हो गया 1 + 5 = 6 + 2 = 8. अब बोलोगे सर बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जब यहाँ फाल्स होगा, तो ये कहीं फाल्स नहीं होगा, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं. सपोज 11 + 17, अब कोई भी एक इवन नंबर ले लीजिए, सपोज 10, ये हो गया है 17 + 11 = 28 + 10 = 38. ये भी हमेशा इवन नंबर है. तो दोस्तों ऑप्शन थर्ड हमेशा सही होगा. ऑप्शन फोर, द सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज एन इवन नंबर. तो दोस्तों सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज इवन नंबर है कि नहीं, सपोज आप लेते हैं 1 + 5 + 7, तो ये हो गया दोस्तों 1 + 5 + 7 + 7 + 5 = 12 + 1 = 13. तो ये भी हर केसेस में ट्रू नहीं, क्योंकि ये ऑड नंबर आ रहा है जबकि ये इवन नंबर दिया गया है, तो ऑप्शन फोर भी रॉन्ग है. तो दोस्तों ऑप्शन थर्ड हर केस में सही होगा, इसलिए सीटेट 2015 ने ऑप्शन थर्ड को करेक्ट आंसर दिया था. अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एट द प्राइमरी लेवल यूज ऑफ 10 ग्राम डॉट गेम्स पेटेंट्स एक्सेट्रा हेल्प्स स्टूडेंट टू. ये क्वेश्चन सीटेट 2015 में पूछा गया था मैथमेटिक्स के पेपर 1 में, कि यूज जो हम करते हैं प्राइमरी लेवल पे 10 ग्राम डॉट गेम्स एंड पेटेंट्स, वो क्या इंप्रूव करता है बच्चे का अंडरस्टैंडिंग बेसिक ऑपरेशंस, एनहेंस अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी, या डेवलपिंग सेंस टू कंपेयर नंबर्स, या फिर स्ट्रेंथन कैलकुलेशन स्किल्स. तो दोस्तों लॉजिकल क्वेश्चन है, यहाँ पर बात हुई है 10 ग्राम डॉट गेम्स एंड पैटर्न्स की, तो नंबर्स की तो यहाँ बात ही नहीं हुई कि कंपेयर नंबर. बच्चे को अगर आप डॉट गेम्स पैटर्न सिखाओगे तो कंपेयर स्किल तो उसकी इससे इक्वल होगी नहीं, सी गलत हो गया. कैलकुलेशन स्किल भी यहाँ से इंप्रूव नहीं होगी, क्योंकि कैलकुलेशन का पैटर्न डॉट गेम्स 10 ग्राम से कोई लेना देना है, डी भी गलत है. एक अगर देखोगे दोस्तों तो अंडरस्टैंडिंग बेसिक ऑपरेशन, यहाँ पर आप एडिशन सब्सट्रैक्शन वगैरह सिखा नहीं रहे तो ए का भी यहाँ कोई सवाल नहीं उठता है. तो ऑप्शन बी, इनहेंसिंग अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी, मतलब बच्चे की अंडरस्टैंडिंग करने की कोई भी एबिलिटी, वो इससे इंप्रूव होगी. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हियर. अगला क्वेश्चन जो दोस्तों पूछा गया था सीटेट 2015 में, वो ये था, द मेन गोल ऑफ मैथमेटिक्स इज, मैथमेटिक्स का मेन गोल क्या है, टू फॉर्मुलेट थ्योरम्स एंड प्रूविंग इट, कि बहुत सारे थ्योरम बनाना और आप अपने आप को प्रूव करते जाओ, क्या ये गोल है मैथमेटिक्स का बच्चों के लिए, या फिर टू हेल्प द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड मैथमेटिक्स. तो दोस्तों ये तो जो क्वेश्चन है वही उन्होंने ऑप्शन दे दिया है, सॉल्यूशन यहाँ से भी पता नहीं चल रहा है. अगला ऑप्शन है टू डेवलप यूजफुल कैपेबिलिटीज, तो यूजफुल कैपेबिलिटीज को डेवलपमेंट करने के लिए मैथमेटिक्स पढ़ना जरूरी है. कुछ हद तक आप बोल सकते हैं ऑप्शन सही, कुछ हद तक, लेकिन हमको यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर राइट करना पड़ता है, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें, जैसे मैथमेटिक्स में तो एक ही ऑप्शन होता है, बट आप बाकी सेक्शन में जाएंगे, जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी के क्वेश्चन में, जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है वीडियोस में उनकी, कुछ ऑप्शन ऐसे लगते हैं ये भी सही हो सकते हैं, लेकिन हमको अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है सबसे सही वो क्लिक करना होता है वहां पे. तो अगला ऑप्शन है दोस्तों टू डेवलप चिल्ड्रंस एबिलिटी टू मैथमेटिक्स, तो जो बेसिक गोल है मैथमेटिक्स का है वो चिल्ड्रन की एबिलिटी जो है उसको डेवलप करना पड़ता है, ताकि वो हेल्प आउट कर सके आगे की लाइफ में मैथमेटिक्स की, जैसे कि कैलकुलेशन जनरलों का बाजार जा रहा है, सपोज उसको 100 रुपीज देता है तो 10 रुपीज का सामान खरीदा तो 90 उसको रिटर्न लेने, तो बच्चे को इतना पता होना चाहिए, तो जनरल डेवलप करना है उसका सेंस ऑफ इक्वलिटी, सेंस ऑफ कैलकुलेशन, सेंस ऑफ मैथमेटिक्स, ताकि वो जनरल प्रॉब्लम सोल्व कर सके, उसके लिए मैथमेटिक्स पढ़ना इंपॉर्टेंट है. तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है. अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वॉट शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ 102 × 201 टू गेट 19999. मतलब आपको इसके प्रोडक्ट में से, इन चारों ऑप्शन में से आप क्या सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको ये मिलेगा. तो पहला तरीका तो ये है कि आप इसको मल्टीप्लाई कर लो और चारों ऑप्शन सब्सट्रैक्ट करके देखो, जिससे ये आ जाए सही आंसर है. लेकिन दोस्तों यहाँ इस क्वेश्चन का मकसद ये नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई करके अगर देखना है तो हर कोई करके देख सकता है. यहाँ पर हम बेसिक रूल जो है दोस्तों डिविजिबिलिटी का, जिसकी वीडियो हमने ऑलरेडी डाल रखी है, वो यूज कर रहे हैं, और इसके नोट्स भी दोस्तों हमने अपने ग्रुप में डाल रखे, तो आप वहां से इसको देख सकते हैं. टू एंड वन, तो दोस्तों जब आप इसको मल्टीपल करोगे इसके प्रोडक्ट को, तो लास्ट में आपको 2 मिलेगा, यूनिट्स डिजिट मल्टीप्लाई, लास्ट में 2 मिलेगा. अब दोस्तों जब 2 लास्ट में मिलेगा तो 2 और ये जो 2 है इसको आप सब्सट्रैक्ट करोगे, क्योंकि आपको जो इनका प्रोडक्ट आएगा उसी में से इसको सब्सट्रैक्ट करना है, तो इनको सब्सट्रैक्ट करके ही आना चाहिए. लेकिन आप लास्ट में जो भी प्रोडक्ट आए, हमको पता नहीं यहाँ की डिजिट जो भी आए उससे भी मतलब भी नहीं, आपको डायरेक्ट सोल्व करना आएगा इससे, तो लास्ट में यूनिट डिजिट आपको 2 मिलेगी.
इस टू में आप जब ये सब्सट्रैक्ट करोगे इधर से टू, टू माइनस टू जीरो, लास्ट में आपको जीरो मिलेगा, यहाँ जीरो है क्या? नहीं, मतलब ऑप्शन बी गलत है। दूसरी बात, ऑप्शन डी देखो आप, 540 यहाँ पे अगर आप माइनस करोगे तो टू में से जीरो लेंगे तो टू आए, लास्ट में टू है क्या यहाँ पे? नहीं है, मतलब ऑप्शन डी भी यहाँ पे गलत है। ऑप्शन सी पे आते हैं, 401, टू में से वन आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो वन आएगा, वन है क्या यहाँ पे? नहीं, ये भी गलत। अब ऑप्शन ए 503 यहाँ पे ऐसा आएगा, टू में से थ्री जाता नहीं है, आपको यहाँ रिमाइंडर लेना पड़ेगा, ट्वेल्व में से थ्री जाएगा तो क्या जाएगा? नाइन। विदाउट कैलकुलेटिंग वी हैव आंसर्ड दैट वन इज द करेक्ट आंसर, ए इज द ऑप्शन करेक्ट आंसर, बाय बाय यूजिंग डिविजिबिलिटी रूल्स, राइट। तो दोस्तों आपको ऐसे क्वेश्चन सोल्व करते आने चाहिए, ये सीटेट 2015 में पूछा गया था, और डिविजिबिलिटी रूल से इस टाइप के क्वेश्चन हर बार आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट 1 लीटर कार्टून ऑफ जूस इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड, 1 लीटर कार्टून का जो कार्टून है जूस का वो क्यूबॉइड के शेप में है, जिसका बेस जो है स्क्वेयर है, मतलब दैट हैज अ स्क्वेयर बेस, मतलब वो इस टाइप का कुछ है, स्क्वेयर बेस है मतलब नीचे की जो साइड और आपको लेंथ मिलेगी वो होगी इक्वल, इस टाइप का क्यूबॉइड है जहां पर ये जो बेस है वो है स्क्वेयर, साइज 8 है, मतलब ये भी 8 हो गई, ब्रेथ और ये लेंथ भी 8 होगी क्योंकि ये स्क्वायर साइज में, तो इसकी साइज इक्वल होगी। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है द डेप्थ ऑफ जूस इन द कार्टून इज, यहाँ पर अगर डेप्थ कितनी होगी जूस की कार्टून में, तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया 1 लीटर कार्टून का जूस है, ये 1 लीटर कार्टून का जूस है और हमसे हाइट पूछी है, तो दोस्तों यहाँ पे वॉल्यूम जो है उसका फार्मूला आपको यूज करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है दोस्तों लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, राइट। अब जो इसकी वॉल्यूम होगी उतना ही इसमें जूस है, और जूस की वैल्यू दे रखी है 1 लीटर, मतलब 1 लीटर इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ जो है दोस्तों वो 8 × 8 है, 8 × 8 × h, बट ये सेंटीमीटर में, तो 1 लीटर को 1000 ml होता है दोस्तों, यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन का आंसर इसलिए पूछा गया है क्योंकि इसको आपको जनरली मिलीलीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आप इसको सेंटीमीटर से कन्वर्ट करेंगे, मतलब 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 ml, तो इसको आप यहाँ पर सेंटीमीटर में चल रहे हैं, तो जो 1000 cm³ का आपका वो क्यूबॉइड होगा ऐसा मान रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो 1000 cm³ का जो क्यूबॉइड होगा उसके अंदर आपकी जो अप्रोक्सीमेशन जो होगा, यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन की इसलिए बात हो रही है, वो 1 लीटर के इक्वल होगा। अब यहाँ पर हाइट की वैल्यू आप दोस्तों निकालेंगे तो आपको क्या करना है, 8 × 8 को 1000 से डिवाइड करना है, तो h इक्वल टू 1000 डिवाइड बाय 64, तो दोस्तों ये इक्विवेलेंट 16 समथिंग कुछ आएगा, और दोस्तों जो अप्रोक्सीमेट आंसर यहाँ पे सी 16 होगा। तो जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि द डेप्थ ऑफ जूस इन कार्टून इज, तो वो होगी 16 cm, ये क्वेश्चन ये दोस्तों ये भी CTET 2015 में पेपर 1 में पूछा गया है, और इस टाइप के भी काफी क्वेश्चन आते हैं, ये ज्योमेट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दोस्तों जो अगला क्वेश्चन CTET 2015 में पूछा गया था वो ये था, द सम ऑफ प्लेसेस वैल्यूज ऑफ 5 इन 6251, 6521 एंड 5621 इज, तो दोस्तों इसका आंसर आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर जो प्लेसेस वैल्यू है 5 की 6251, मतलब यहाँ हो जाएगी 50 क्योंकि ये यूनिट से सेकंड प्लेस पे, मतलब 51 यूनिट की प्लेस है, 10 की प्लेस है, तो ये 50 होगी यहाँ पे 5 की वैल्यू, 5 की यूनिट प्लेस वैल्यू, यहाँ पर 6521 में दोस्तों अगर आप निकालेंगे तो 500 हो जाएगी वैल्यू क्योंकि ये आ रहा है यूनिट टेंस एंड थाउजेंड्स की प्लेस पे, उसके बाद दोस्तों अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगी 5000। अब यहाँ बोला है सम ऑफ प्लेसेस वैल्यूज ऑफ 5, तो ये प्लेसेस वैल्यू ऐसे निकलती, मतलब सपोज 5 यहाँ होता तो 500 हो जाता, 5 सपोज ऐसे होता 5555 तो 50,000 हो जाता, तो आपको ये डिजिट कैलकुलेट करनी है, डिजिट कैसी, ये यूनिट की है, टेंस की है, थाउजेंड की है, तो 100 की है, सॉरी 521 तो 500, ये 1000 की क्योंकि 5621, तो ये ऐसे यूनिट प्लेस की वैल्यू निकल गई है। अब आपको इनको सबको सम करना है, तो आप इसको सम करेंगे दोस्तों, तो 5000 प्लस 500, 5500 प्लस 50, मतलब 5550 इज द करेक्ट आंसर सी। तो दोस्तों आने वाली वीडियोस में भी इसी टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस एग्जाम में आपसे पूछे गए हर सेक्शन से, एनवायरमेंटल स्टडी से, चाइल्ड डेवलपमेंट से, मैथमेटिक्स से, और सारे क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और स्टडी मटेरियल के साथ आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको तुरंत हमारी तरफ से नोटिफिकेशन और इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल सके। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे, जय हिंद जय भारत।
Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.